बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध एक महान विचारक और चिंतक थे। उनका विचार स्पष्ट और व्यवहारिक था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश उन 5 पुराने साथियों को दिया जो उनके कठोर साधना से विरक्त होकर उनका साथ छोड़ दिया था। उनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी अमूल्य शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने निरर्थक दार्शनिक वाद विवाद से अलग व्यवहारिक चिंतन को ही जरूरी और मूल्यवान माना। वे दार्शनिक प्रश्नों पर मौन हो जाते थे। उनका कहना था कि ये दार्शनिक वाद विवाद लोगों के दुखों को कम नहीं करता है बल्कि उसे और भटकाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे जन्म में घूमता रहा हूँ। अब मैं उन्हें जान गया हूँ। जन्म लेने का क्रम रुक गया है। दुख का मूल नष्ट हो गया है। अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों में ही निहित है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। दुख अर्थात संसार दुखमय है, देयर इज सफरिंग। दूसरा, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा, दुख का अंत संभव है, देयर इज ए सेसेशन ऑफ सफरिंग। चौथा, दुखों के अंत का एक मार्ग है, देयर इज ए वे ऑफ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने मध्यम निकाय में इन 4 आर्य सत्यों की महत्ता को स्पष्ट किया है। इसी से अनासक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव है। धन्यवाद।